सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संकेत, आप देख रहे हो मूवीज इन, और आज हम बात करने वाले हैं बैटमैन अनलिमिटेड एनिमल इंस्टिंक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये 2015 में आई हुई 12 मई को रिलीज हुई बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, जिसके टोटल 3 पार्ट्स है। हम आज इसका पहला पार्ट कवर करेंगे जो कि एनिमल इंस्टिंक्ट नाम से है। तो चलिए आज हम करते हैं इसका पूरा मूवी एक्सप्लेन। तो लेट्स बिगिन। कहानी शुरू होती है गौतम सिटी के नए सबसे बड़े बिल्डिंग से, जिसका नाम है द आइवरी के अनाउंसमेंट के साथ, जो पेंगुइन ने बनाई है। और साथ ही साथ हमें ये न्यूज़ भी पता चलती है कि एक एस्ट्रॉयड है जो कि 77 साल के बाद अर्थ के एटमॉस्फेयर से गुजर रहा है। दूसरी तरफ बैटमैन पेट्रोलिंग कर रहा है। स्टार लैब में बैटमैन को दिखता है कि रोबोट उल्फ वहाँ पे हमला कर रहे, कुछ ना कुछ चीज़ें कर रहे, जहाँ से पावर जनरेटर को चुरा लिया गया है। बैटमैन से आगे निकल जाता है वहाँ पे हमारा ये जो रोबोट है वो, जहाँ बैटमैन उसे रोक नहीं पाता है। दूसरी तरफ नाइटविंग को ज्वेलरी शॉप में चोरी करते हुए दिखती है चीता और किलर क्रॉक, जहाँ नाइटविंग की मदद के लिए फ्लैश भी आ जाता है, पर उन दोनों को ये लोग रोक नहीं पाते और वो लोग वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। उधर गौतम बैंक में सिल्वर बैक लूटपाट करता है, जहाँ उसे रोकने के लिए ग्रीन एरो यानी हमारा ऑलिवर किंग आ चुका है, जहाँ सिल्वर बैग की मदद के लिए रोबोटिक उल्फ भी वहाँ पे वो बुला लेता है। वहाँ पे मैन बैट भी है जो कि इनके ऊपर हमला कर रहा है, और तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है हमारे बैटमैन की, जो इनको रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, बट रोबोटिक उल्फ आने की वजह से ये लोग उसको रोक नहीं पाते और वो तीनों के तीनों वहाँ से भागने में फिर से कामयाब हो जाते हैं। फिर बैट के में हम देखते हैं रेड रॉबिन यानी टीम डार्क दो रोबोट्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा है यानी उनसे लड़ रहा है। वहाँ पे ब्रूस वेन को आइवरी के बिल्डिंग के ओपनिंग के लिए भी बुलाया जाता है, जो कि हमारा बटलर उसे बताता है कि भाई अभी तुम्हें वहाँ पे जाना है। जहाँ पेंगुइन अपने रोबोट्स के इंट्रोडक्शन कराता है कि ये हमारे रोबोट्स है, एक बैट के जैसा दिखने वाला और दो उल्फ के जैसे दिखने वाले दो रोबोट्स है, जहाँ पे ऑलिवर क्वीन भी है हमारे ब्रूस वेन के साथ। यहाँ पे ये दोनों को इजी वे में पता चल जाता है कि एक्चुअल में ये जो सारी चोरी और ये जो सारे लूटपाट गौतम सिटी में अभी चल रहे हैं फिलहाल में, ये सारे के सारे पेंगुइन के ही किरे धरे हैं। ये लोग फिर आ जाते हैं बैट केव में, जहाँ बैटमैन को पता चलता है कि ये लोग गौतम जू में भी लूटपाट करने जाने वाले हैं। फिर वहाँ पे बैटमैन ग्रीन एरो फ्लैश रेड रॉबिन और नाइटविंग जाते हैं उन्हें रोकने के लिए। जहाँ पर इनकी लड़ाई होती है, ये सारे लोग अपने अपने गुटों के हिसाब से लड़ने लगते हैं, उसमें ये लोग मैन बैट को पकड़ लेके जाते हैं बैट केव में, जहाँ बैटमैन उसको एक एंटीडोट देता है, जहाँ पे वो बंदा नॉर्मल हो जाता है और सबको ये सारा प्लान बता देता है कि पेंगुइन के ऐसे ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि वो रोबोट्स मेरे तरफ से बना रहा था, जिस वजह से उसने पूरी एक्चुअल में एक सेना खड़ी कर दी है। जहाँ पर इन लोगों को सिंपल सा पूरा पेंगुइन का प्लान पता चल जाता है। पेंगुइन का प्लान ये है कि ये जो एस्ट्रॉयड अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर घूम रहा है, उसे गौतम सिटी पर लाकर शहर को पूरा नष्ट किया जाए, और ये जो चोरियां हो रही थी टावर के एग्जैक्ट टावर के आजू बाजू के सर्कल में, वहाँ पे उसने एक अलग अलग शील्ड बनाने के लिए एक अलग अलग गैजेट्स रखे, जिस वजह से पूरी वो शील्ड बन जाएगी टावर के ऊपर, और जिस वजह से पेंगुइन उसके अंदर सुरक्षित रहेगा। इस वजह से इधर पेंगुइन सिटी के लोगों को अपना प्लान बता रहा है, एक लाइव स्ट्रीम कर रहा है जहाँ पे शील्ड के बारे में भी बताता है, और उधर शील्ड भी ऑन कर देता है। बैटमैन और बाकी के लोग इधर गैजेट्स बना रहे हैं कि एक्चुअल में उस शील्ड को कैसे रोका जाए, पेंगुइन को कैसे रोका जाए और बाकी चीज़ें कैसी की जाए। जहाँ बैटमैन और फ्लैश जाते हैं एक्चुअल में उसको अंदर जाने के लिए यानी उन लोगों को रोकने के लिए, जहाँ पे पहले बैटमैन जाता है शील्ड के अंदर अपना गैजेट यूज़ करके, और उसके बाद फ्लैश भी अंदर जाता है, जहाँ पे जाने के बाद पेंगुइन पूरे रोबोट्स की सेना भेज देता है इन लोगों को रोकने के लिए, जहाँ उन पर रोबोट्स हमला कर रहे हैं। अब फ्लैश को ये जो सारे शील्ड है जहाँ पे अलग अलग जगह पर रखे हैं उनको एक एक करके रोकना है, उनको एक एक करके स्विच ऑफ करना है, और साथ ही में ये जो बाकी वाले जो तीन रोबोट्स हैं जिनको इन लोगों ने पकड़ के लाया था, वो भी इनका साथ देते हुए अभी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो एक्चुअल में एंटीवायरस है जो कि उसका जो वायरस है वो हमारे जो रेड रॉबिन है उन्होंने इंस्टॉल कर दिया है। इस वजह से ये जो सारे बाकी के रोबोट्स है यानी जो इतनी पूरी रोबोट्स की सेना है वो एक्चुअल में अभी बंद हो चुकी है, यानी उनका जो काम है वो वहाँ पर एंटीवायरस डालने की वजह से वो बंद हो चुका है। इधर एस्ट्रॉयड
सिटी के तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर कि भाई अभी सारे रोबोट्स फेल हो चुके हैं, अभी कोई मदद के लिए नहीं आएगा, तो पेंगुइन बाकी लोगों को छोड़ के, यानी चीता, किलर क्रॉग और सिल्वर बैक को, इन लोगों को वहाँ पे छोड़ के वहाँ से भाग जाता है एक पॉड में, जहाँ पे भागते समय ग्रीन एरो उनके ऊपर हमला करता है, बट उसे कुछ नहीं होता और वो भागने में वहाँ से कामयाब होता है। फिर अब बैटमैन का यह प्लान है कि सिटी के ऊपर जो पूरा ये जो एस्ट्रॉयड गिर रहा है, तो सेम शील्ड को यूज़ करके इस एस्ट्रॉयड से बचा जाए, सिटी को बचाया जाए। इस तरह से फ्लैश की मदद से पूरे पूरे सिटी के इर्द गिर्द पूरे पूरे वो शील्ड लगा देता है, जिससे एक शील्ड बनकर आती है जो कि गैजेट्स लगाने के बाद बनती है। उसमें मैन बैट भी उसकी मदद करते हुए हमें दिखता है और एक शील्ड बना देता है जो कि मैन बैट की वजह से ही बनती है, जहाँ पे बनने के बाद वो एस्ट्रॉयड उसके ऊपर गिरता है और वो तबाह हो जाता है, यानी एक्चुअल में वो नष्ट हो जाता है पूरे पूरे गौतम सिटी के एटमॉस्फेयर के ऊपर ही, जिससे सिटी को बचा लिया जाता है। और फिर हम एंड में देखते हैं कि पेंगुइन अंटार्कटिका में फंस चुका है, जहाँ पे उसके पॉड को फेल कर दिया है ग्रीन एरो के एक एरो ने। जी हाँ दोस्तों, तो इसी तरह से ये पूरा मूवी हो जाता है ख़त्म। आपने अगर अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा, जाके देख सकते हो। पूरी सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा फाड़ू बनाई है और बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग लगती है, इंटरेस्ट बिल्ड होते जाता है और बाकी के बैटमैन की मूवी की तरह ही आपको इसमें भी मज़ा आएगा। तो अभी तक आपने अगर नहीं देखी है तो जाके देख लो, अगर देख लिया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। ओवरऑल मेरे थॉट्स तो बहुत ही अमेजिंग है। मैं इस पूरे सीरीज़ को कवर करने वाला हूँ, अभी एक हो गई, उसके बाद दूसरी और फिर तीसरी, इस तरह से हम लोग कवर करेंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कंटेंट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कंटेंट्स लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज़ इन।